तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में। और एक बार फिर से वही पुराना जो परीक्षा पर मंथन चल रहा था, जैसे चलता आ रहा था पिछले साल हुआ, सेम वैसा कुछ पैटर्न नजर आता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बीटीपी पॉलिटेक्निक की जबकि परीक्षाएं निर्धारित थी 20 जनवरी से, लेकिन उसमें अब लगातार अटकलें आने लगी क्योंकि अभी किसी भी तरीके का कोई जमीनी स्तर पर बढ़िया से तैयारी नहीं हुआ है। और इसी बीच मतलब ये सारी दिक्कतें थी और कोरोना के संक्रमण भी जो है, कोरोना का संक्रमण इस टाइम बहुत तेजी से फैला, जिसके चलते ऑफलाइन क्लासेस बंद किए गए 16 जनवरी तक। और ये निर्धारित किया गया कि भैया अब ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे कुछ टाइम तक, जब तक कि कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल नहीं होता। और इस बीच में ऑफलाइन परीक्षाएं भी निर्धारित थी 20 जनवरी से। तो यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर बोर्ड की तरफ से बैठक भी बुलाया गया था कि मतलब ये क्लियर कर दिया जाए भैया 20 से एग्जाम होगा या किस तरीके का होगा ये सारी चीजें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर कोई बात नजर नहीं आई, जिसके कारण फिर से कुछ टाइम दिया गया। और फिर अब अगली जो बैठक है वो 16 या 17 जनवरी को होगी और जिसमें निर्णय आएगा कि क्या 20 जनवरी से होगा एग्जाम या उस बदल सकता है परीक्षा डेट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो है बीटीपी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं डेट बदलने की बहुत ज्यादा संभावना है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है इस टाइम और अब गवर्नमेंट यानी शासन भी ये अभी तुरंत आदेश तो नहीं देगा कि आप इस तरीके से, यहाँ पे कि आप परीक्षाएं कराई जाए इतने सारे छात्रों की एक साथ, क्योंकि अभी कॉलेज और जो भी जितने इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं सभी को बंद किया गया है कोविड को देखते हुए कि संक्रमण ना फैले तेजी से। और परीक्षाएं जबकि 20 से निर्धारित है और संक्रमण पे अभी किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा है। तो एक तो बड़ा, बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि कोविड वाला ही, दूसरी चीज चुनाव भी, चुनाव में बहुत सारे पॉलिटेक्निक पे बीएसएफ के जवान पहुंच चुके हैं और चुनाव की तैयारियों से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं वो करने में जुट रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक को कवर कर लिए हैं, दूसरी चीज ये। और तीसरी चीज अभी बोर्ड की भी कोई जमीनी अस्त, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बोर्ड का पेपर भराया जा रहा है, इनरोल किया जा रहा है नए नए छात्रों को और ठीक 10 से 15 दिन बाद यहाँ पे एग्जाम हो जाएगी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर से आपकी परीक्षाएं, परीक्षा की जो तिथि है वो बदल सकती है टाइम टेबल, 20 जनवरी से शुरू हो रहा है लेकिन अभी अधिकारियों का यही कहना है कि नहीं नहीं एग्जाम 20 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आएगा वो 16 या 17 जनवरी को आएगा। और इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड अभी जो भी सूचनाएं आ रही हैं, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, वो सारी कुछ टाइम पहले यहाँ पे वायरल हुआ था न्यूज़ की ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं, वो परीक्षाएं ऑनलाइन अभी उसमें भी लिखा गया था ये निर्धारित नहीं है। तो अभी निर्धारित नहीं है, 16 या 17 तारीख को निर्धारित होगा कि परीक्षाएं कब होंगी और कैसे होंगी। हाल ही में एक न्यूज आया था जिसमें शायद 28 जनवरी से परीक्षाएं ऑनलाइन परीक्षाओं का नोटिस दिखाया गया था, तो उसका भी खंडन किया है बोर्ड ने कि नहीं ऐसा कोई न्यूज नहीं है, अभी कोई भी इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं है बोर्ड की तरफ से। तो आपको जो एग्जैक्ट इसका मिलेगा 16 से 17 जनवरी तक भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, और संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है, लेकिन आप सभी पढ़ाई पे अपना कंसंट्रेट बना के रखें, एग्जाम हो सकता है। और क्योंकि आगे चुनाव भी है, अगर अभी एग्जाम रुकता है तो समझ लीजिए आपका पूरा पूरा एक महीने के लिए एग्जाम रुकेगा, फिर कुछ टाइम बाद एग्जाम हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, बस आज के इस वीडियो में इतना ही और आगे ऐसे कुछ अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे वीडियो और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।